श्रीकाल जी, मदर्स डे दियां मेरे वालों सारिया मावां नूं बहुत बहुत शुभकामनावां ते वधाइयां। हर माँ लई सब तो वड्डे हीरो तो दे बच्चे हुंदे आ। पिछले एक साल तो सोसाइटी दे हर वर्ग बारे गल हो रही है, भावें उह फ्रंटलाइन वर्करस है, टीचर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, डॉक्टर्स है, पुलिस परसनल है, हर एक की तारीफ भी की जा रही है ते बनदी भी है। पर की किसी ने सोचा कि बच्चे इस सारी सिचुएशन दे नाल किस तरह कोपअप कर रहे हैं? रोज़ बच्चे स्कूल जाते सी, आपके फ्रेंड्स नूं मिलते सी, उन्हां नाल खेडते सी, टीचर्स तो नवीं गल्लां सीख के आते सी, उन्हां दे एक रूटीन हुंदा सी। रोज़ बच्चों नाल खेडना, आइसक्रीम खाना, उन्हां दी छोटियां छोटियां चीज़ां दे विच खुशियां छिपियां हुईयां सी। ते ऐ लगता है पिछले एक साल दे विच जिवें उन्हां दा सुनहरे बचपन दा एक साल उन्हां तों खो लिया गया होवे। इन्हां सारियां गल्लां दे उपर ऑनलाइन क्लासिस दा इन्ना प्रैशर है, भावें कोई गल समझ आ रही है या नहीं आ रही, पर क्लास स्क्रीन पर बैठ के लानी बहुत जरूरी है। एंड बड़ी बारी मैं लगता है कि बच्चों चीज़ा समझ भी नहीं आदियाँ पर कोपअप करना पैदा है। बच्चे एक इनवायरमेंट के रेंदे सी जदों रोज़ बच्चों एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होंगी सी, रोज़ नवी गल् सीख के उन्होंने हौसला बढ़ता सी बच्चों का। पर पिछले एक साल के इन्ने डर के माहौल बच्चे जी रहे, रोज़ एको तरह दबर सुन में मिलती हैं उन्होंने कि इन्ने नवे कोविड के केसिज आ गए, इन्ने लोगों की डैथ हो गई, लोगों तो दूर रहो, किसी ना मिलो, किसी अपने घर इनवाइट ना करो, किसी के घर जाओ ना, नहीं तो कोविड हो जूगा, नहीं तो मौत के कारण बन जाएंगे। सो जो टाइम बच्चों ग्रो कर मिलना सी ना, बच्चों नवी चीज़ा सीखने का मिलना सी, वो सारा उन्होंने दिमाग इस डर ने इनग्रिप कर लिया। मैं सारिया मावं अगे बेनती करूँगी कि देखो बड़ा औखा समय अपने सारिया वास्ते, तो बच्चों वास्ते उस तो भी ज़्यादा, वो कई बार समझा भी नहीं सकते कि उन्होंने दिल के डर की असर कर रहा है। तब वद तो वद समा आपके बच्चों नाल बतीत करो, उन्होंने नाल देखो जो दूसरे बच्चों मिल नहीं सकते तो तुम ट्राई करो उन्होंने नाल खेडन की, उन्होंने नाल बैठ के इन लेंथ गलबात करो, उन्होंने दिमाग के चलता है, उन्होंने डर को दूर करने की कोशिश करो कि बच्चों देखो ये समा सदा नहीं रहना, ये जिमें आया है वो ही लंघ जूगा। चंगे माड़े समय जिंदगी आते रहते हैं। अज पेरेंट्स की रिस्पोंसिबिलिटी है, मदर की बड़ी वड्डी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों के दिल के इस डर खत्म करके इस हौसले की फीलिंग किवें पैदा करना है, ये अपनी जिम्मेवारी है। तो उम्मीद करती हैं कि आप सारे इन समयों ठीक ठाक ते सुख शांति के साथ तंदुरुस्ती के साथ जल्द ही निकलेंगे। सत श्री अकाल, धन्यवाद।